हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आईक्यू टैब. आज के इस वीडियो में हम एटोवेल डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं 20th ऑफ अक्टूबर 2022 का, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स. नाउ डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एटोवेल को डिस्कस करना है. देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में आज दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं. सबसे पहला जो आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट जो कश्मीरी पंडित के ऊपर कश्मीर वैली के अंदर लगातार अटैक हो रहा है. Now, जो मिलिटेंट्स इनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो आर्टिकल 370 है उसको, जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के रूल से हटा दिया गया था, उसके कारण ये अटैक्स हो रहे हैं और उसको रिस्टोर करने की डिमांड हो रही है. तो जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन फोर्सेस वहां पर ऑलरेडी तैनात हैं, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है और किस तरीके से ये जो साइकिल एक बनता जा रहा है, इस साइकिल को किस तरीके से ब्रेक करना है, वो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है. उसी को हम आज काफी डीप में डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड जो आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट लाइफ एजेंडा. देखिए, लाइफ जो है वो क्लाइमेट एक्शन से डील करने के लिए एक एजेंडा है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको स्टार्ट किया था 2021 के अंदर. ठीक है, इसको हम प्रॉपरली समझेंगे एज टू लाइफ किस तरीके से अलग है बाकी जितने भी एजेंडाज हैं, मतलब उनके थ्रू. देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है, आप जानते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो राइट नाउ प्लैनेट अर्थ फेस कर रही है. तो इससे डील करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने काफी सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, काफी सारे एजेंडाज बनाए हैं. जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 के अंदर हुई थी, राइट. अभी रिसेंटली COP26 जो हुआ था, जो कि ग्लासगो के अंदर हुआ था. इन सब चीजों के अंदर एक कॉमन एजेंडा जो रहा है वो है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको स्लो कर सके. क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बट उसको एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड रीजंस, मतलब जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, उनके खुद के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण जो क्लाइमेट चेंज जो नेचुरली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स में होना चाहिए था, वो काफी ज्यादा फास्ट टर्न अप हो गया है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है. उसी चीज को स्लो करने की कोशिश की जा रही है. उसी में एक और नया स्टेप स्टार्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ. एंड किस तरीके से जो लाइफ है वो काम करता है, इसके बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर डील करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, जहां हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में. जो लाइफ वाला आर्टिकल है उसको हम पहले समझते हैं. देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हम राइट नाउ फेस कर रहे हैं. राइट नाउ जो हमारी करेंट वर्ल्ड है, इट इज फेसिंग मल्टीपल एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग क्राइसिस. इसका मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब है हमारे पास काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. हम एक साथ ही टेररिज्म, वॉर हो गया, फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, इन सारी प्रॉब्लम्स हम एक साथ डील कर रहे हैं. सो इट इज मल्टीपल क्राइसिस एंड ऑल दीज आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग क्राइसिस. इसका मतलब ये होता है कि एक जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ अपने आप में एंड नहीं है. मतलब अगर पॉपुलेशन लगातार एक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड का, तो वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स और ज्यादा अराइज हो रहे हैं. देखिए, अगर पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? हंगर का लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है. उसके कारण काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ रिसोर्सेस नहीं पहुंच पा रहे. सिमिलरली माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, राइट, स्टंटिंग बढ़ रही है बच्चों के अंदर, वेस्टिंग बढ़ रही है बच्चों के अंदर. द पॉइंट बीइंग, जितने भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं सबके साथ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग होते हैं. मतलब एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है. ठीक है, तो राइट नाउ जो हमारा वर्ल्ड है वो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स से ऑलरेडी डील कर रहा है. अगर आप रिसेंट देखेंगे तो COVID-19 से हम अभी डील कर रहे थे. अराउंड 1 to 2 years तक हमने लगातार COVID-19 को झेला है. अभी करेंटली हम एक फ्रजाइल रिकवरी फेज में हैं. मतलब हम कोविड से काइंड ऑफ रिकवर कर रहे हैं, बट अभी भी आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा जो वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, यूएस और चाइना के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, यूएस रशिया के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं. इन सब के कारण जो वॉर टाइम सिचुएशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है. वॉर टाइम सिचुएशन इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है? जो एनर्जी की प्राइसेस है, फूड के प्राइसेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो मतलब बेसिक प्राइसेस है, वो सबका सब इंक्रीज हो रहा है. इसके कारण कहीं ना कहीं एक क्राइसिस टाइप सिचुएशन यहां पर भी इमर्ज हो रही है. नाउ रिसेंटली UNDP, जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एक रिपोर्ट निकालता है, SDR रिपोर्ट. SDR का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. नाउ SDR जो होता है वो बताता है कि पिछले कुछ सालों से इस साल में, मतलब लास्ट कुछ ईयर के कंपैरिजन में, इस साल हमारे ह्यूमंस ने कितना डेवलप किया है. इन अलग अलग जो भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पर डेवलपमेंटल रिपोर्ट एक निकाली जाती है. नाउ पिछले 30 सालों से जब से SDR निकल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि UNDP को यह बोलना पड़ा है कि जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब ग्लोबल लेवल पर जो ह्यूमंस डेवलप कर रहे हैं, वो लगातार डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए इन द पास्ट 2 years. मतलब दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड,
बट दिस इज बिकॉज ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स, जैसा हमने भी बात किया, एनर्जी का डाउन होना, फूड प्राइसेस का लगातार इंक्रीज होना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंक्रीज होना, रीजन आप जानते हैं, यूएस चाइना प्रॉब्लम, यूएस रशिया का प्रॉब्लम, डिफरेंट वॉर्स, मिडल ईस्ट का इशू, राइट, ये सब के सब प्रॉब्लम्स एक साथ यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं, उसके कारण जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो एक साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। नाउ यहां पर इस आर्टिकल का जो हमारा मेन एजेंडा है टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो हम इसके ऊपर मेन फोकस करते हैं। यहां देखिए, यहां बोला जाता है देयर आर ट्रिपल थ्रेट्स ऑफ प्लेनेटरी क्राइसिस, मतलब जो हमारा प्लेनेट है इसके ऊपर क्राइसिस आ रहा है, उसके तीन मेन थ्रेट्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज, सेकंड इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं काफी सारे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो ये तीन मेन ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस कहे जाते हैं, आप इसको मेंस के किसी भी आंसर के अंदर कोट कर सकते हैं जहां पर भी आपको रेलिवेंट लगे। नाउ इसके अलावा प्लेनेट के ऊपर और कौन सा क्राइसिस है, अगर आप पिछला एक डेकेड देखिए, यानी कि 2010 से लेकर के 2020 का जो डेकेड है उसको अगर आप देखते हैं, तो इस 10 साल में वर्ल्ड के सबसे 9 वार्मेस्ट ईयर्स आए हैं, मतलब कि हमारे वर्ल्ड के जितने भी सबसे गर्म जो हमारे साल थे, यानी कि सबसे वार्मेस्ट जो ईयर्स थे, उसमें से टॉप 10 अगर निकालें तो उसमें से 9 जो है वो पिछले एक डेकेड के अंदर आए हैं। ये शो करता है कि लगातार ही जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जो वार्मिंग है अर्थ का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण अर्थ की जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हीट वेव्स हैं, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, ये कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस हैं लगातार टेम्परेचर के इंक्रीज होने के। इन सब के कारण हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन में राइट नाउ चल रहा है। नाउ जैसा हमने पीछे बात की कि हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक एंड नहीं है, वो अपने आप में एक मल्टीप्लायर है, मतलब एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम्स को एक टाइप से जन्म दे रहा है। यहां पर जो क्लाइमेट चेंज है ये भी एक टाइप का डिसरप्शन मल्टीप्लायर है। इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एंड नहीं है, वो भी अपने आप में अलग अलग प्रॉब्लम्स को और ज्यादा जन्म दे रहा है, राइट। इसके कारण जो भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो SDG सुने होंगे आपने, SDG के 17 टारगेट्स होते हैं, उसमें जो भी हमने अभी तक प्रोग्रेस किया था वो कहीं ना कहीं फिर से रोल डाउन हो रही है, कहीं ना कहीं फिर से डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लेनेटरी क्राइसिस का थ्रेट, मतलब हमारे प्लेनेट इस टाइप के क्राइसिस से ऑलरेडी डील कर रहा है। The point is, different governments ने, different institutions ने क्या steps लिए हैं इन सब चीजों से डील करने के लिए। आप जानते हैं पेरिस अग्रीमेंट आया था 2015 के अंदर, COP26 लिमिट का समिट आया था 2021 जो कि ग्लासगो के अंदर हुआ था। इन सब समिट्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है जिसके बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को डिक्रीज कर सकते हैं, इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लाइमेट को नॉर्मल रेट पे लेके आ सकते हैं। नाउ जो भी कमिटमेंट्स हमने पेरिस अग्रीमेंट में, ग्लासगो जो ग्लासगो समिट है, इन सब में लेकर आए हैं, कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे कमिटमेंट्स उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। मतलब देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट ये है कि राइट नाउ हमारा जो अर्थ है वो ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास वार्म हो चुका है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज बीइंग कंपेयर्ड टू प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हमारे वर्ल्ड में, जो हमारे अर्थ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, दैट वॉज समवेयर इन 1760s, 1760 के आसपास में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले जो भी हमारा टेम्परेचर था अर्थ का, उसके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.2 डिग्री पहुंच चुका है, ठीक है। तो द पॉइंट बीइंग, अगर ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा और अगर हमने अपने सारे कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुंच जाएगा, एंड दैट विल बी काइंड ऑफ अनबेरेबल फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी को सह नहीं सकती है, ठीक है। साथ ही साथ समझिए, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस के सहने की बात नहीं है, इसके अलावा ड्रॉट्स का जो फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज हो जाएगा, राइट, फ्लड्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफी ज्यादा पैटर्न उसके चेंज हो जाएंगे। द पॉइंट बीइंग, जो हमारा क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से खुद को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम करने वाला है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के जितने भी कोस्टल रीजन है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, बिकॉज सी जो है उसके लेवल्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, सी का लेवल इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज आप जानते हैं कि जो वार्म चीज होती है इट ऑलवेज राइजेस, ठीक है। तो अगर पानी गर्म होता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगा, अगर पानी एक्सपेंड करेगा तो जो भी रीजन यहां पर है उन सब चीजों को वो पानी के अंदर मतलब पानी के अंदर लाना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के होने के कारण ये हो रहे हैं। एंड द पॉइंट बीइंग, जो भी अग्रीमेंट्स हमने तय किए हैं पेरिस अग्रीमेंट के अंदर, ग्लासगो अग्रीमेंट के अंदर, वो सब मतलब उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रोक सकते हैं। द पॉइंट बीइंग, वी नीड टू वर्क ऑन मोर थिंग्स, हमें और ज्यादा चीजें करनी है ताकि हम
अपने जो भी क्लाइमेट है, ग्लोबल क्लाइमेट है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक सके। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें इंडिविजुअल बेसिस पे, मतलब हर एक पर्सन को इंडिविजुअल बेसिस पे काफी सारा काम करना होगा, काफी सारे एफर्ट्स लगाने होंगे ताकि क्लाइमेट चेंज को हम यहां पर रोक सके। देखिए, जो सबसे बड़े जो मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर गवर्नमेंट्स एंड द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बिकॉज उन्होंने काफी ज्यादा पॉल्यूट किया है ओवर द ईयर्स, और गवर्नमेंट्स बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री जो है दोनों साथ में मिलकर इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट साथ ही साथ इंडिविजुअल्स दैट इज कस्टमर जैसे कि जो कि हम हैं, हमें भी अपने लाइफ से जो अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स हैं, मतलब ऐसे चीजें जो कि अनसस्टेनेबल है, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, उसे अपने लाइफ से निकालना होगा, तभी जाकर हम इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर सकते हैं और हम अपने क्लाइमेट चेंज को डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ यहीं पर बात आती है लाइफ की। लाइफ एजेंडा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नाउ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का जो कंसेप्ट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 दैट इज ग्लासगो जो समिट हुआ था November 2021 लास्ट ईयर उसके अंदर दिया था। एम क्या है? एम ये है, जो लाइफ कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि अभी तक जो गवर्नमेंट्स हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं, ये सब मिलकर के क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके अलावा देर इज वन मोर इंडिविजुअल, मोर वन इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब हम जो हैं, हमें भी अपने लेवल पे लाइफस्टाइल को अचीव करना होगा, मतलब हमें कुछ ऐसे लाइफस्टाइल अचीव करने पड़ेंगे, छोटे छोटे इंडिविजुअल एक्शन हमें ऐसे लेने होंगे जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ को बेटर करने में हेल्प कर सके। समझिए इस चीज को। कहा जाता है कि जो अगर हमें क्लाइमेट चेंज से डील करना है, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से डील करना है, तो हमें काफी बड़े बड़े स्टेप्स लेने होंगे। हमें इंडस्ट्रीज को शट डाउन करना होगा, मीथेन का प्रोडक्शन डाउन करना होगा, CO2 का प्रोडक्शन डाउन करना होगा, द पॉइंट बिंग यू नो अफॉरेस्टेशन करना होगा। ये तो काफी लार्जेस्ट स्टेप्स है। द पॉइंट बिंग ये सब चीजें तो ऑलरेडी हो रही है, बट इसके साथ साथ में हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे जो कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे ले सकते हैं। जैसे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक्स का यूज नहीं करेंगे, हम व्हीकल्स का यूज कम से कम करेंगे, इसके बदले में हम साइकिलिंग करेंगे, राइट? मतलब जो भी चीजें आप चाहे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर कुछ माइंडफुल चॉइसेस के बारे में बात की गई है, जैसे कि घर के अंदर एनर्जी को सेव करना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी गलत यूसेज नहीं करना है, राइट? किसी भी तरीके से एनर्जी कोई बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं करना है, उसको सेव करना है एनर्जी को। सेकेंड, साइकिलिंग को यूज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करना है, सेल्फ ड्राइविंग का मतलब अगर आप कार्स को यूज करते हैं, अगर हर एक पर्सन अपनी अपनी सेल्फ कार्स को यूज करेगा, सेल्फ व्हीकल को यूज करेगा, तो ऑब्वियसली उसके कारण जो व्हीकल पॉल्यूशन होगा दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, ग्रीन हाउस गैसेस उसके कारण इंक्रीज हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, आप साइकिलिंग का यूज कीजिए, साथ ही साथ प्लांट बेस्ड फूड्स खाइए, आप कम से कम खाने को वेस्ट कीजिए। ये सब चीजें एक्चुअली ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसके कारण लॉन्ग टर्म में जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम रिड्यूस करने में हेल्प हो सकती है। नाउ समझिए, जितने भी लाइफ के टेक्निक्स हैं वो कोई फोर्सेबल टेक्निक्स नहीं है, मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है कुछ भी करने से, बट दीज आर जेंटल पर्सुएशन टेक्निक्स। पर्सुएशन मतलब किसी को मनाया जा रहा है, किसी को बिलीव कराना है दैट दीज स्मॉल थिंग्स दैट यू डू, आज आप छोटे छोटे जो स्टेप्स लेंगे वो लॉन्ग टर्म में प्लैनेट अर्थ को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके कारण देखिए, इन सब टेक्निक्स के थ्रू ऑथर का कहना यह है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर आना है, एक पॉजिटिव बिहेवियर को इन्फोर्स करना है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। दिस इज द मीनिंग, ठीक है? आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। नाउ जो UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि UN की एक बॉडी है, वो कहती है कि देखिए, उसने तीन टोटल मेन स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू हम छोटे छोटे अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। पहला बोला गया है कि हमें फूड वेस्ट को कम से कम फूड वेस्ट कम करना है। मतलब फूड वेस्ट कम करने का सिंपल तरीका क्या है, जो कैफेटेरियाज वगैरह होते हैं, जो भी होटल्स वगैरह होते हैं, वहां पर जो प्लेट्स होते हैं उसमें हम कम खाना दें, जितना खाना नेसेसरी है उतना ही खाना दें, उससे ज्यादा खाना ना दें। इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से। आई होप आपको याद होगा, हमने पीछे भी इसके बारे में बात की थी। सेकंड, जो रिसाइकलिंग होती है उसको इनकरेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बिन लिड्स हैं, जो डस्टबिन होते हैं, उसको आई कैची बना सकते हैं। आई कैची किसी तरीके से ताकि जो पब्लिक है उसका ध्यान उस पर जाए और ताकि वो उसे यूज करे और जो जितना भी आपका गार्बेज वगैरह है उसको डस्टबिन के अंदर ही डाले, राइट? थर्ड चीज, अगर आप साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि जहां जितने भी रोड्स हैं, रोड्स के बगल में साइकिल पाथ्स बनाइए। करंटली अगर आप रोड्स देखेंगे तो रोड्स किस तरीके से होते हैं, रोड्स आर लाइक दिस, मतलब वन वे एंड टू वे। तो वन वे टू वे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से सिर्फ व्हीकल्स के लिए होता है, मतलब इधर यू हैव टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, वॉट एवर यू हैव, ये व्हीकल स्पेसिफिक बनाया गया है। साथ ही कुछ जगहों पर आप देखेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज फॉर इंडिविजुअल्स, राइट? बट अगर आप देखिए नॉर्मली रोड पर कहीं पर भी साइकिल पाथ्स नहीं होते हैं,
उसके कारण लोग साइकिल को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अगर हम साथ में दोनों तरफ साइकिल पाथ बना सकें तो ऑब्वियसली पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग साइकिल्स बिकॉज साइकिल का एक प्रॉपर पाथ वहां पर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज यूएनईपी ने जिसको यहां पर इंकरेज किया है कि ये सब चीजें हमें इंडिविजुअल लेवल पर करनी चाहिए। नाउ एक चीज और समझिए, यूएनईपी एक कंसेप्ट और बोलता है कि क्यों हमें इंडिविजुअल लेवल पर ही चेंजेस लाने की जरूरत है, क्यों हमें ऐसे सब करने की जरूरत है। बिकॉज हमारे अर्थ के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिट हुआ है उसमें से टू थर्ड जितना भी मतलब जीएचजी है उसमें से टू थर्ड से ज्यादा हाउस होल्ड कंजप्शन के कारण आया है, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल्स पे जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो लाइफस्टाइल है उनकी, उसके कारण आया है। तो अगर हम उसी लेवल पे जो हमारा हाउस होल्ड लेवल है उस पर अगर हम चेंजेस लाने स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में जो क्लाइमेट चेंज है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लाइफ में इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लाइफ को स्टार्ट किया था वो एक ग्लोबल विजन की तरह स्टार्ट किया गया था, मतलब पूरे वर्ल्ड को ऐसा करना होगा, लेकिन इंडिया इज एन एक्सलेंट प्लेस टू स्टार्ट। क्यों? देखिए, हमारे यहां पर पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1.3 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है हमारे यहां पर। सो अगर हम कुछ भी चेंजेस लाते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर इट विल हैव अ लार्ज इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा। सेकेंड, अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली तो गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां से लाइफस्टाइल जो लाइफ का जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया है बाय मिस्टर मोदी, एंड जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो सर है, उन दोनों के थ्रू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लाइफ के जो चीजें हैं उसको प्रमोट की गई है। एम ये है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड जो पूरे ग्लोबल लेवल पे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबके थ्रू इनको अपील किया गया है कि 2027 तक यू ऑल बिकम पीपीपी, दैट इज कॉल्ड एज प्रो प्लैनेट पीपल। सिंपल वर्ड्स में देखें, प्लैनेट को सेव करने वाले पीपल बनना है हर एक पर्सन को, ये चीज कॉल किया गया है बाय मोदी एंड यूएन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। किस तरीके से कर सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग सम सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जिसके बारे में हमने पीछे बात की। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने ऑलरेडी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को प्रूव किया हुआ है ओवर द ईयर्स। अगर आप देखिए 2015 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन नाम का एक जो मिशन था वो लॉन्च हुआ था और उसके थ्रू इंडिया ने एक्चुअली काफी हद तक अपनी जो जो सफाई है, जो क्लीनलीनेस है, उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, राइट। तो ये शो करता है कि इंडिया अगर कुछ भी डिसाइड करे एंड कलेक्टिवली कुछ करने की कोशिश करे तो इट इज टोटली पॉसिबल दैट पीपल विल ऑल्सो वर्क विद द गवर्नमेंट और दोनों साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर थिंग हमें लाइफ के कंसेप्ट में करना है, जहां पर 1.3 बिलियन पीपल साथ में मिलकर अगर कुछ भी चेंजेस लाते हैं तो ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा इंपैक्ट ला सकता है। यहां पर एक और बात की जाती है लाइफ में, दैट इट टॉक्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी इज रिलेटिव टू कॉन्ट्रीब्यूशन। सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि ओवर द ईयर्स हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा जीएचजी का एमिशन किया है, तभी तो वो डेवलप हो पाए, तभी तो वो इंडस्ट्रियलाइज हो पाए। द पॉइंट इज इनको अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ऐसे कंट्रीज जो कि अभी डेवलपिंग है, मतलब जहां के लोग काफी ज्यादा पुअर हैं, वहां पर लोगों को कम से कम एफर्ट्स लगाने होंगे, बट स्टिल दे ऑल्सो हैव टू डू थिंग्स। समझिए, एमिशन द पॉइंट इज जितने भी वर्ल्ड के पुअर पॉपुलेशन है, अगर हम उसका पुअरेस्ट हाफ को देखें, मतलब जो 50% जो पुअरेस्ट हाफ है, उन्होंने जितना एमिशन कर रखा है, मतलब जितना भी उनके कारण एमिशन हुआ है थ्रू बर्निंग ऑफ चूल्हास, राइट, या फिर किसी भी तरीके से, दैट इज जस्ट 1% ऑफ द वेल्दीएस्ट। सिंपल मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो जो वेल्दी पर्सन है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री में जो रिच पर्सन है, वो उनके कारण जितना भी एमिशन हुआ है वो इतना ज्यादा है कि जो पुअर पर्सन के कारण हुआ है, पुअर पर्सन का सिर्फ 1% आता है। मतलब इन्होंने इतना ज्यादा कर रखा है एमिशन कि पुअर पर्सन का यहां पर ऑलमोस्ट अनअकाउंटेबल है। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे कम कंज्यूम कर रहे हैं उनको सबसे कम काम करना है, लेकिन स्टिल उन्हें भी पार्टिसिपेट करना है, उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ग्रीन इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, बट मेजॉरिटी काम जो है आपको जो भी रिच पीपल है उनको करना होगा थ्रू डिफरेंशिएटेड अप्रोचेस। सिंपल वर्ड्स में देखिए, डिफरेंशिएटेड अप्रोचेस का मतलब होता है रिच पीपल जो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा किया है, उन्हें ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा अभी, एंड जो पुअर पीपल है जिनके कारण जीएचजी ज्यादा नहीं बढ़ा है उनको कम से कम कंट्रीब्यूट करना होगा, बट स्टिल दे ऑल्सो हैव टू डू दिस थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस। नाउ ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस जो है यहां पर बात करता है इसी कंसेप्ट के बारे में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा काम करेंगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कंपैरेटिवली कम काम करेंगी। देखिए, एक डेवलप्ड कंट्री जो है, जो हाई इनकम कंट्री है, जो कि काफी ज्यादा रिच कंट्री है, उनमें एक एवरेज कार्बन फुटप्रिंट अगर निकाले किसी पर्सन का, इसका मतलब क्या होता है कि हर पर्सन, देखिए कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि कितना ज्यादा कार्बन वो यूज करते हैं, कार्बन को आप CO2 के साथ वो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, तो कितना ज्यादा कार्बन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यूज करता है अपनी लाइफ के अंदर उसे कहते हैं एवरेज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ पर्सन।
नाउ अगर हम हाई इनकम कंट्री की बात करें, कोई रिच कंट्री की बात करें, उसमें पर पर्सन जो एवरेज कार्बन फुटप्रिंट है वो ऑलमोस्ट 80 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जो कि पुअर है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो 80 टाइम्स दिस इज द काइंड ऑफ फिगर जो कि शो करता है कि जो क्यों डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा करने की जरूरत है और डेवलपिंग जो कंट्रीज हम लोग कंपेरेटिवली कम करने की जरूरत क्यों है। सो ये कॉमन सेंस माना जाता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी होगी, उन्हें प्रोपोर्शनेटली किसी तरह से मतलब यह है कि उन्होंने ज्यादा ऑलरेडी इफेक्ट किया है तो उन्हें ज्यादा यहां पर कॉजेस लाने होंगे, मतलब ज्यादा काम उन्हें करना होगा ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। महात्मा गांधी ने कहा था द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, मतलब अगर सबको नीड है तो वर्ल्ड के पास काफी है, बट किसी एक पर्सन के पास अगर ग्रीड है कि जिसको नीड से ज्यादा चाहिए तो हमारे वर्ल्ड के पास इतने रिसोर्सेस अभी करंटली प्रेजेंट नहीं है। आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से इंडिया शाइन कर सकती है। देखिए COP26 के अंदर इंडिया ने पंचामृत टारगेट्स लगाए हैं जिसके थ्रू इंडिया ने ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात की है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के थ्रू सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है इंडिया। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जितने भी अलग अलग जो डिजास्टर्स होते हैं उनके रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से डील कर रहा है। साउथ साउथ कॉपरेशन में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी पुअर कंट्रीज हैं, उन सबको साथ लेकर के, अब G77 का नाम आपने सुना होगा, G77 इज कॉल्ड साउथ साउथ कॉपरेशन, राइट। तो इसका कहीं ना कहीं एक अनसेड लीडर कहा जाता है कि इंडिया है, राइट। तो इंडिया इसको भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। करेंटली इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ इंडिया बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन रेन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हर चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके कारण शो कर रहा है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है, जहां पर इंडिया ग्लोबल फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करके एक क्लाइमेट जस्टिस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए समझिए, इंडिया ने जो लाइफस्टाइल, जो लाइफ का जो एजेंडा निकाला है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट इट इज फॉर एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब हर एक कंट्री के लिए। तो हर एक कंट्री इसको यूज कर सकती है और हर एक कंट्री अपने अपने कंट्रीज के अंदर इस चीज का बेटर इफेक्ट्स है ऑलरेडी देख सकती है। नाउ इंडिया यहां पर इंडिया विल ब्रिंग स्केल, मतलब 1.3 बिलियन पीपल हमारे पास ऑलरेडी है, सबके साथ साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक्सपर्टीज, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुली, इसके थ्रू हम लाइफ को भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लेजिटिमेसी, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग दीज थिंग्स, सो इंडिया एक लेजिटिमेट लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है। और फाइनली ऑथर का कहना यह है कि देखिए, इंडिया एक फाउंडिंग यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, दैट शोज कि इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंडिया बहुत ही इफेक्टिवली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा भी रहा है। और साथ ही साथ ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है G20 और G77 को। इस फ्रेज को समझ दी, देखिए G20 जो है कहा जाता है कि वर्ल्ड की 20 सबसे फास्टिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया भी है, और G77 जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि जो पुअर है यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, इनका एक ग्रुप है, इसके अंदर भी इंडिया है। सो इंडिया एक ऐसा मेंबर है जो G20 के अंदर भी, यानी कि फास्टेस्ट इकोनॉमीज के अंदर भी है और पुअर कंट्रीज के अंदर भी है। सो इंडिया एक ब्रिज का काम कर सकता है जहां पर हाई जो मतलब फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और स्लोएस्ट डेवलपिंग जो इकोनॉमीज है दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर सकता है और जो भी गैप्स वगैरह है उसको यहां पर ब्रिज कर सकता है। फाइनली जो ऑथर है ये बात करते हैं कि अगले महीने, आप जानते हैं कि COP27 होने वाला है, कहां पे होने वाला है ये चीज, यहां पर ये होने वाला है, यहां पर इजिप्ट के अंदर, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज शर्म अल शेख, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कॉप, आप जानते हैं COP26 अभी कहां हुआ है, ग्लासगो के अंदर, राइट। तो COP27 कहां होने वाला है, इजिप्ट के अंदर, और ध्यान रखिएगा COP26 2021 के अंदर हुआ था, COP27 2022 नवंबर के अंदर होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन एट शर्म अल शेख नाम का एक प्लेस है जो कि इजिप्ट के अंदर, वहां पे होने वाला है। साथ ही साथ इंडिया इज ऑल्सो सेट टू अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ G20, दिसंबर में आप जानते हैं कि G20 का प्रेसिडेंट बनने वाला है इंडिया। साथ ही साथ एजेंडा 2030 में हम ऑलमोस्ट हाफ वे पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, 2015 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हुए थे जो कि 15 सालों के लिए स्टार्ट हुए थे, यानी कि 2030 तक के लिए स्टार्ट हुए थे। दीज एसडीजी दे आर कॉल्ड एस एजेंडा 2030, ठीक है, इसी को कहते हैं एजेंडा 2030। समझिए इस चीज को, अगर आप देखेंगे 2015 से लेकर 2030, यानी कि टोटल 15 साल, इसका हाफ वे कब होगा, 7.5 ईयर्स, दैट इज 2022.5, सिंपल वर्ड्स में देखें, इसमें अगर आप 7.5 ऐड करते हैं तो इसका मतलब है अभी जो हम 2022 के लास्ट में चल रहे हैं, मतलब जो लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में चल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली मार्किंग द हाफ वे मार्क ऑफ एजेंडा 2030, मतलब ऑलमोस्ट हम आधे तक पहुंच गए हैं। ये शो करता है कि हम अभी तक सही रास्ते पे जा रहे हैं, एसडीजी को हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, वी नीड टू वर्क ऑन अ लॉट मोर, ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, बट स्टिल वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ।
आई होप आपको ये चीज प्रॉपरली समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही डीपली एंड बहुत ही प्रॉपरली इस आर्टिकल को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर में रिसेंटली कश्मीरी पंडित के ऊपर काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं, सो विल टॉक अबाउट दोज अटैक्स। देखिए, रिसेंटली न्यूज ये है कि कश्मीरी पंडित का एक मर्डर हो जाता है, मतलब ही वॉज मर्डर्ड इन शोपियान। शोपियान इज अ प्लेस इन साउथ कश्मीर जहां पर उनका मर्डर हो जाता है। नाउ दिस मर्डर वॉज ऑब्वियसली डन बाय द मिलिटेंट्स जो कि कश्मीर के अंदर है, उन्होंने इसका वो किया था। ठीक है, अब समझिए, दिस इज नॉट जस्ट अ लोन वॉल्फ अटैक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकमात्र अटैक था, इसके अलावा और भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं जहां पर देखा गया था कि सिक्स और पंडित को यहां पर कुछ दिनों पहले उनका मतलब मर्डर कर दिया गया था। The point was, every single person is being attacked by militants. और यहाँ पर targeted attacks हो रहे हैं, मतलब कि चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। The point is, this is actually a very bad thing. जब एक community को target attack किया जा रहा है, मतलब एक community के ऊपर अगर आप चुन करके सिर्फ उसी community के लोगों को मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक bad precedent show करता है, right? तो इसी चीज के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओवर द इयर्स जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट लगातार अश्योर कर रही है कि हम आपकी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, कश्मीरी पंडित्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, बट इसके बावजूद लगातार अटैक्स हो रहे हैं और काफी सारे मर्डर्स हो रहे हैं। इसके कारण जो सेंस ऑफ फियर है कश्मीरी पंडित्स के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसके कारण जो प्रॉब्लम्स है, जो फियर है, वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ना समझिए, एक तरफ देखिए जो ये अटैक्स हैं वो शो करता है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, मतलब जो मिलिटेंट्स हैं, उनका सेपरेटिस्ट टेंडेंसी शो करता है, मतलब वो चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया से अलग हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये शो करता है। नाउ वो ये अटैक्स क्यों करते हैं, अगर आप उनकी मेंटालिटी को देखेंगे, दे रिलाय ऑन सच अटैक्स टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस। इसका मतलब क्या है कि अपना डर बना के रखने के लिए वो ये अटैक्स करते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो फियर साइकोसिस, आप समझ गए। इसके अलावा समझिए, ये एक साइकिल है। जब भी देखिए, अगर मिलिटेंट्स जो होगा किसी कश्मीरी पंडित पे अगर अटैक करते हैं, मतलब टारगेटेड अटैक करते हैं, तो ये कश्मीरी पंडित क्या चाहेंगे, ऑब्वियसली दे विल वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब देखिए, अगर स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी तो स्टेट प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगी, अगर गवर्नमेंट को अगर आप लाओगे यहां पर, इंडियन आर्मी को लाओगे, इंडियन फोर्सेस को लाओगे, सो हाउ विल दे प्रोटेक्ट दीज कश्मीरी पंडित्स, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से मिलिटेंट्स हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनको यहां पर एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, राइट, जो फोर्सेस है। अब देखिए, उसके थ्रू जब ये एलिमिनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग ऐसे कश्मीरी पंडित भी हैं जो कि माने जाते हैं कि हु आर एक्चुअली वर्किंग अलॉन्ग विद दोज मिलिटेंट्स। ठीक है, हु आर वर्किंग अलॉन्ग विद दोज मिलिटेंट्स, हु पास ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं काफी सारा पूछताछ स्टार्ट कर देती है, इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है। इसके कारण जिस कम्युनिटी को यहां पर हेल्प चाहिए, दैट इज कश्मीरी पंडित्स को हेल्प चाहिए, बट वही कश्मीरी पंडित्स कहीं ना कहीं एक विक्टिम बन के रह जाते हैं, राइट। गवर्नमेंट इनके ऊपर ही काफी सारे अटैक्स करने लगती है, अटैक्स इन द सेंस की काफी सारा पूछताछ करने लगती है, इंक्वायरी करने लगती है, इनके ऊपर शक करने लगती है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, स्टेट रिप्रेशन कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित्स के ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब जिनको यहां पर अभी सेफ्टी चाहिए थी उनके ऊपर ही गवर्नमेंट उनसे ही पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। नाउ इसके कारण जो डिसकंटेंट है कश्मीरी पंडित्स के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, डिसअफेक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो लोग भी अब इस पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ना चाहते हैं। दिस इज द एंटायर साइकिल, आई होप आप इसी को समझ गए। वंस अगेन, जस्ट फोकस इनटू दिस थिंग। देखिए, अगर मिलिटेंट्स अटैक करते हैं कश्मीरी पंडित पे, कश्मीरी पंडित्स वांट कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो इंडियन फोर्सेस हैं, दे शुड हेल्प देम आउट। लेकिन जब वापस फोर्स इनकी हेल्प करने जाती है तो कहीं ना कहीं फोर्सेस इनसे ही पूछताछ स्टार्ट कर देती है, इनके ऊपर ही शक करने लगती है कि हु इज द पर्सन हु इज पासिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, कौन है जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। इसके कारण काफी सारा जो प्रॉब्लम होता है कश्मीरी पंडित्स को ही होता है। उसके कारण कश्मीरी पंडित्स को काफी ज्यादा एलिनेट फील होता है, मतलब कि उनको अपनी कंट्री से काफी ज्यादा दूर फील होता है और वो इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को छोड़ के जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइकिल जो कि इस मिलिटेंट्स के कारण यहां पर चल रहा है, राइट, इस गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड कि मिलिटेंट्स जो अटैक कर रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है। देखिए, कुछ दिनों पहले मिलिटेंट्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज की थी जहां पर उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 370 का जो स्टेटस चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, दैट इज द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण ये अटैक्स हो रहे हैं। और यहां तक कि कहीं ना कहीं एक धमकी भी दी गई थी कि अगर ये चीज को जल्दी से रिवर्स बैक नहीं किया गया तो और भी अटैक्स होंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हु आर द विक्टिम्स हियर, किन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दे आर सिविलियंस। सिविलियंस में भी कौन, दे आर माइग्रेंट वर्कर्स जो कि बाहर के स्टेट से आए हुए हैं यहां पर काम करने के लिए, फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। नाउ अगर आप ध्यान से सोचे तो 1990s में भी कश्मीरी पंडित्स में ऐसे ही अटैक्स हो रहे थे जहां पर जो सिविलियंस थे उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सेम मेमोरीज को वापस लेकर आता है और ये शो करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सेफ्टी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है।
राइट right? तो इसलिए क्लिनिकल अप्रोच सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन कैन बी द पनिशिंग द जो आपको पनिश करना होगा, जो भी मिलिटेंट्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं, जो वो लोग हैं। देखिए परपेट्रेटर्स का मतलब होता है वो मिलिटेंट्स जो कि कोई भी गलत चीज कर रहे हैं, मतलब हु आर एक्चुअली कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, हु आर दे आर कॉल्ड एज परपेट्रेटर्स, राइट। तो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उनको पकड़िए, उनको आप प्रॉपरली पनिश कीजिए, और साथ ही साथ जो रेडिकल्स हैं उनको आइसोलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो रेडिकल्स यानी कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि जो भी कश्मीर के लोग हैं वो उनके साथ हैं या फिर वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। उनको आइसोलेट करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए जो यूनाइटेड जो हमारी यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है राइट, उसको अपनी तरफ से हर एक कोशिश करनी होगी, अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेंसेस में कोई भी कमी नहीं करनी होगी, हर तरीके से पंडित को, कश्मीरी पंडित को और माइग्रेंट लेबर्स को उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी, राइट। देखिए जो भी ये अटैक्स हो रहे हैं ये शो करता है कि जो हमने आर्टिकल 370 को 2019 के अंदर जो हमने डिसमिस कर दिया था, जो हमने हटा दिया था, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। सोचिए आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया था, दिस वाज रिमूव्ड ताकि जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद क्या होगा, देखिए इसके आने के बाद ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस को यूज करके वहां पर जितने भी किसी भी तरीके का मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही है उनको रोक सकती है, बट वो एक्टिविटीज तो लगातार चलती जा रही है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑथर क्वेश्चन करते हैं कि क्या आर्टिकल 370 जो बाइफरकेट किया गया था, जो हटाया गया था, जो डिसमिस किया गया था, क्या वो सही से काम कर रहा है या फिर क्या वो कहीं ना कहीं फेल होना स्टार्ट हो गया है। नाउ ये भी शो करता है कि जो लगातार वायलेंसेस हो रहे हैं इसके कारण जो कश्मीर वैली की जो सिचुएशन है वो लगातार डिटीरियोरेट हो रही है, मतलब कि लगातार खराब हो रही है, दिस मींस खराब होना, ठीक है, वो खराब हो रही है। ये शो करता है कि जो हम डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर इलेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ये जो भी रिन्यूड वायलेंसेस वगैरह हैं, जो लगातार मर्डर्स हो रहे हैं, टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसको अगर हम जल्दी जल्दी रिड्यूस नहीं कर पाए। तो सिंपल पॉइंट यही है, यहां पर पॉइंट रिपीट हो रहा है कि जो भी कश्मीर के अंदर रिजीम चेंज हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्टली पावर के अंदर है, तो किस तरीके से वो साथ में मिलकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। एक चीज और समझिए, इन अटैक्स के कारण यहां पर रिलीजियस पोलराइजेशन लगातार बढ़ रही है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अटैक यहां पर सिर्फ कश्मीरी पंडित के ऊपर हो रहा है, दैट इज हिंदूज के ऊपर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है कि एक सिंगल रिलीजन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो जो बाकी रिलीजन है यू नो उनको सेफ फील हो रहा है, बट एक रिलीजन को सेफ फील नहीं हो रहा है। उसके कारण कश्मीर के अंदर दो गुटपंथे जा रहे हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स का, राइट। हिंदूज आर नॉट फीलिंग सेफ, मुस्लिम्स आर फीलिंग सेफ, राइट। इसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पोलराइज हो रहा है पूरे का पूरा जो वहां पर सिटीजन है, राइट। उसके अलावा जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो अपने आपको काफी ज्यादा बुर्जुआ कर रहे हैं, दिस कॉल्ड एज बुर्जुआ, बुर्जुआ मीन्स एलीट क्लास, मतलब उसको अपने आपको एक एलीट क्लास की तरह समझ रहे हैं वो। सिमिलरली कश्मीर के अंदर अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, वी नीड टू फॉलो अ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच। सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कि कुछ दिनों तक आप फोर्सेस को यूज कीजिए, किसी भी तरीके से मिलिट्री जितने भी मिलिटेंट एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, और उसके बाद सिटीजन्स को एक आप प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे से एक प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोवाइड कीजिए, ताकि ये जो रीजन है, जो भी ये रीजन है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सके और यहाँ पर भी पीस एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन हो सके। तो आई होप आपको दोनों ही आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है इन दोनों ही आर्टिकल या फिर किसी भी और चीज के बारे में, प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।